चलिए तो पंडित जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया बुध ग्रह के बारे में, और अब आइए राशि अनुसार अब अपनी चर्चा को हम शुरू करते हुए बात कर लेते हैं सबसे पहले राशि यानी मेष राशि की। तो मेष राशि का बुध कैसा होता है और ये व्यक्ति के जीवन में किस तरह का प्रभाव डालता है, आइए अब ये हम पंडित जी से जानेंगे। देखिए, मेष राशि जो है ये अग्नि तत्व की राशि है और मंगल ग्रह द्वारा शासित है, मंगल ग्रह इसका स्वामी है। बुध और मंगल के बीच शत्रुता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह मेष राशि का है वो बोलने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और जल्दबाजी ही आपके परेशानी का कारण बनती है। ऐसे लोग स्वभाव से तर्कशील भी होते हैं और ऐसे लोगों को, जिनका मेष राशि में बुध है, ऐसे लोगों को राम रक्षा स्त्रोत का पाठ रोज जरूर करना चाहिए। राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करने से निश्चित रूप से ये जो मेष राशि के बुध का दोष है वो समाप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेष राशि की तो बात हमने कर ली थी, अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि का बुध कैसा होता है और ये व्यक्ति के जीवन पर किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव डालता है, चलिए देखते हैं। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में वृषभ राशि में बुध स्थित होता है, माने कुंडली का आप चक्र देख रहे होंगे तो उसमें जहाँ दो लिखा होगा अगर वहाँ बुध होगा, तो ऐसे लोग शांत स्वभाव वाले और सोच समझ कर बोलने वाले होते हैं। इनमें धैर्य की थोड़ी सी कमी होती है लेकिन क्रोध जल्दी नहीं आता है। वृषभ राशि में बुध व्यक्ति को मेहनती परिश्रमी बनाता है, लेकिन ऐसे लोग आसानी से किसी बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग जो ठान लेते हैं उसको करते ही हैं और ऐसे लोगों पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है। कुंडली में वृषभ राशि में बुध हो तो व्यक्ति चरित्रवान भी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि का बुध कैसा होता है और ये व्यक्ति के जीवन में क्या शुभ और अशुभ प्रभाव डालता है, आइए देखते हैं। बुध तो मिथुन राशि का स्वामी ही होता है और जिन लोगों की राशि मिथुन होती है, जिनके तीन नंबर में चंद्रमा होता है, ऐसे लोगों की नाक अगर आप देखेंगे तो तोते की तरह होती है। जैसे पैरट तोते की नाक होती है ना, वैसी नाक होती है। मिथुन राशि वालों का सबसे पहली पहचान यही है कि नाक तोते की तरह होगी। राशि में अगर बुध हो मिथुन राशि में, तो ऐसे लोगों का मन बहुत चंचल होता है। ऐसे लोग हर दिन कुछ नया करना चाहते हैं। मिथुन राशि में बुध हो तो मन एकाग्र नहीं रहता है और व्यक्ति एक काम को लंबे समय तक नहीं कर पाता है। मिथुन राशि में बुध हो तो व्यक्ति के शब्द की विरोधी पर हावी व्यक्ति का शब्द विरोधी पर हावी हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और हर वाद विवाद को जीतने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग जीवन में किसी भी तरह के बदलाव को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। ये एक काम में एकाग्र न होकर एक ही समय में बहुत सारे काम करते हैं। ऐसे लोग स्वतंत्र होकर काम करना पसंद करते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए मिथुन राशि के बाद अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि का बुध कैसा होता है और इसका व्यक्ति के जीवन पर किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है, आइए वो भी देखते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि बुध जो है ये कर्क राशि में जब होगा तो चंद्रमा की राशि में होगा और चंद्रमा बुध का पिता है। चंद्रमा जो है वो बुध ग्रह का पिता है।
बृहस्पति की पत्नी तारा और चंद्रमा से बुध ग्रह का जन्म हुआ और बुध ग्रह को चूंकि इस अपमान को झेलना पड़ा तो बुध कभी भी चंद्रमा को अच्छा मानता नहीं है और न बुध और चंद्रमा की मैत्री होती है। तो ऐसे में बुध चंद्रमा तो बुध को मित्र मानता है लेकिन बुध चंद्रमा को मित्र नहीं मानता है। तो जब कुंडली में कर्क राशि में बुध होता है तो ऐसे लोग बेवजह बहुत आक्रामक होते हैं और ऐसे लोग किसी का भी सामना करने से कतराते हैं। कर्क राशि के जातक जिनका बुध कर्क राशि में है वो धीमी गति से काम करते हैं। कर्क राशि में जिनका बुध है वो दृढ़ निश्चयी तो होते हैं, अपने काम में मन लगाकर काम भी करते हैं लेकिन परिणाम उसके अनुकूल नहीं आता है। कुंडली में कर्क राशि का बुध हो तो ऐसे लोग आक्रामक होते हैं, तर्कसंगत होते हैं और अपनी बात को सबसे ऊपर रखने वाले होते हैं। लेकिन कर्क राशि वाले हर समस्या को सकारात्मक रूप से लेकर के उसको सुलझाने का भी प्रयास करते हैं। अब ये बात अलग है कि कर्क राशि में यदि पापक ग्रह भी है बुध के साथ या पापक ग्रहों से युत है या पापक ग्रहों की दृष्टि है तब फलादेश बदल जाएगा। लेकिन यदि बुध सामान्य रूप से कर्क राशि में है तो जो मैंने बताया यही फलादेश होगा। जय मां विंध्यवास। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की और सिंह राशि का बुध कैसा होता है और ये व्यक्ति के जीवन में क्या शुभ और अशुभ प्रभाव डालता है, आइए देखते हैं। देखिए जिन लोगों की जन्म कुंडली में जहां 5 नंबर लिखा हुआ है अगर वहां पर बुध की स्थिति है तो ये बुध मित्र गृही माना जाएगा क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य का बुध मित्र होता है। सूर्य और बुध प्रायः कुंडलियों में एक साथ देखे जाते हैं जिसे बुधादित्य योग भी कहते हैं। ऐसे लोगों में थोड़ा सा अहंकार होता है लेकिन हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। ऐसे लोग जोखिम उठाने से नहीं घबराते हैं, मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं, थोड़ा सा अहंकार तो होता है। तो सिंह राशि में बुध हो तो व्यक्ति में शारीरिक आकर्षण भी होता है। सिंह राशि में बुध व्यक्ति को अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार बनाता है। झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले लोगों से ऐसे लोग बहुत दूरी बना करके चलते हैं। जरा सा भी अगर किसी व्यक्ति पर संदेह हुआ तो ऐसे व्यक्ति उससे अपना सर्वस्व नाता तोड़ लेते हैं। ये लोग समाज को बहुत अच्छी तरह से समझने में महारत हासिल करते हैं। जय मां विंध्यवास। चलिए सिंह राशि के बाद अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि का बुध कैसा होता है और इससे व्यक्ति के जीवन पर क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। देखिए कन्या राशि में बुध हो तो ऐसे लोग अपनी कुंडली में बुध को उच्च ग्रह माने और ऐसे लोगों का अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान केंद्रित रहता है। 12वें भाव में गए हुए सारे ग्रह लगभग बुरा फल करते हैं शुक्र को छोड़कर। शुक्र इसलिए बुरा फल नहीं करता है कि शुक्र जब 12वें भाव में जाता है तो बहुत खर्चा करवाता है। तो खर्चा तभी न करेंगे जब आपके पास पैसा होगा, पैसा होगा तो आप खर्चा करेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई बुराई है। लेकिन बुध अगर कन्या राशि में 12वें भाव में हो वो बुरा फल नहीं करता है, वो तब भी अपनी दशा महादशा में अच्छा ही फल करता है क्योंकि वो भाग्य भाव का भी स्वामी होता है और यहाँ व्यस्त होने से भी उसका दोष नहीं लगता है। तो ऐसे लोग कोई भी काम बहुत समझदारी से संभालते हैं लेकिन ऐसे लोग दूसरों की गलतियाँ ढूंढने में निपुण होते हैं। कुंडली में कन्या राशि में बुध हो तो व्यक्ति को क्रोध तो आता है
लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत समय तक किसी से नाराज नहीं रह पाता है। कन्या राशि में बुध हो तो ऐसा व्यक्ति को अपने काम में दूसरों का दखल पसंद नहीं होता है और ऐसे लोग हर काम को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इनके काम में हस्तक्षेप करेंगे तो निसंदेह ये भड़केंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब तुला राशि की। तो तुला राशि का बुध कैसा होता है और इसका व्यक्ति के जीवन में क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। तुला राशि शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि में बुध होगा तो मित्र होगा, लेकिन अगर उस पर भूल से भी किसी पापग्रह की दृष्टि हो गई तो भाग्य साथ नहीं देगा। ऐसे लोग अपने काम को लेकर के बहुत ईमानदार होते हैं, मामूली गलती होने पर भी ये अपना काम फिर से शुरू कर देते हैं। कुंडली में तुला राशि में बुध कमजोर हो तो व्यक्ति खुद को सही साबित करने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे लोग अपनी गलती आसानी से नहीं मानते हैं, ये लोग किसी भी तरह की परेशानियों से खुद को दूर रखना पसंद करते हैं। अगर पापक ग्रहों की दृष्टि न हो या पापक ग्रहों के साथ बुध की युति न हो या बुध से केंद्र में चंद्रमा न हो तो ये सारे दोष समाप्त हो करके बल्कि कुछ अच्छा ही करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि का बुध कैसा होता है और इसका व्यक्ति के जीवन पर क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है, चलिए देखते हैं। देखिए वृश्चिक राशि जो है ये मंगल की राशि है और मंगल की राशि में जब बुध होता है तो ऐसे लोग साहसी तो होते हैं, इनको जोखिम लेना और मुश्किल काम करना अच्छा लगता है। कुंडली में वृश्चिक राशि में बुध हो तो व्यक्ति को खुद पर संयम रहता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी के करीब नहीं आते हैं। वृश्चिक राशि का बुध हो तो व्यक्ति को समझौता करना पसंद नहीं होता है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि का बुध कैसा होता है और ये व्यक्ति के जीवन पर क्या शुभ और अशुभ प्रभाव डालता है, आइए देखते हैं। देखिए कुंडली में जब बुध धनु राशि में होगा तो इसका मतलब कि बृहस्पति के राशि में होगा। अगर बृहस्पति के राशि में बुध होगा और अच्छे नवमांस में नहीं होगा तो ऐसा व्यक्ति अगर शत्रु नवमांस में होगा तो लापरवाह हो सकते हैं, नए काम की जिम्मेदारी उठा तो लेते हैं वाहवाही में लेकिन उसे कभी समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं और गुस्सा भी तेज आता है और ऐसे लोग अपनी योजनाओं को बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। कुल मिलाकर के धनु राशि में बुध हो तो व्यक्ति का मन जो है वो अस्थिर होता है और ऐसे लोगों को अपने मन को स्थिर करने के लिए विष्णु सहस्र नामावली का कम से कम एक पाठ 125 दिनों तक जरूर करना चाहिए और ऐसे लोगों को अपने भोजन में सलाद का सेवन जरूर करना चाहिए। और कुछ मिले खाने में या न मिले लेकिन ग्रीन सलाद ऐसे लोगों को जरूर खाना चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य और बुद्धि ठीक रहे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की और मकर राशि का बुध कैसा होता है और इसका व्यक्ति के जीवन पर क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। देखिए कुंडली में अगर मकर राशि का बुध होगा तो इसका मतलब कि शनि के घर का बुध होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत सोच समझकर और संयमित होकर के बात करना पसंद करता है। ऐसे लोगों की जीवन शैली भी नियमित होती है, सादा जीवन, कड़ी मेहनत करके सफलता पाना इनके जीवन का मूल उद्देश्य होता है। अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को लेकर इनके मन में कोई दुविधा नहीं होती है। मकर राशि का बुध हो
तो व्यक्ति को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ऐसे लोग सहज सरल जीवन जीते हैं और इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची होती हैं। ऐसे लोग भावनाओं को भी और गुस्से को भी आसानी से नियंत्रित करना जानते हैं और ऐसे लोग सचमुच में भरोसेमंद होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब मकर राशि के बाद बारी आती है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का बुध कैसा होता है और इसका व्यक्ति के जीवन पर क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है, आइए वो भी देखते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में कुंभ राशि में बुध हो तो ऐसे लोगों को काम करने का जो तरीका होता है वो सबसे अलग और अनोखा होता है। इन लोगों के जबरदस्ती कोई काम इन लोगों से जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जा सकता है। ऐसे लोगों के दिमाग को नियंत्रित करना बहुत कठिन बात है, क्योंकि सूझबूझ और बुद्धिमानी इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है और ऐसे लोग अपनी अंतरात्मा के आवाज पर ही कोई निर्णय लेते हैं। कुंभ राशि का बुध व्यक्ति को भरोसेमंद लेकिन चालाक बनाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि का बुध कैसा होता है और ये व्यक्ति के जीवन पर क्या शुभ और अशुभ प्रभाव डालता है, चलिए देखते हैं। जिन लोगों की कुंडली में बुध मीन राशि में होता है तो एक बात जान लीजिए कि मीन राशि बुध की नीच राशि है और 15 डिग्री पर परम नीचांसक होता है। लेकिन अगर मीन राशि के सामने कन्या राशि में बृहस्पति बैठा हो तो ये नीच भंग भी बन जाता है। मीन राशि का बुध हो तो व्यक्ति मेहनत करने से बचता है, भाग्य के भरोसे रहता है, लक्ष्य विहीन होता है। ऐसे व्यक्ति का मूड पल पल में बदलता है और दूसरे लोग ऐसे लोगों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यदि बुध नीच राशि में मीन राशि में हो, जहां 12 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, वहां अगर बुध है, और वो नवांश कुंडली में कन्या राशि का है जहां 6 नंबर लिखा हुआ है, तो ये सारे दोष खत्म हो जाएंगे और सारे अच्छे कार्य आपके जीवन में होने लगेंगे। तो इसलिए स्थूल रूप से केवल एक चीज को देख करके फलादेश करना जल्दबाजी होती है। ज्योतिष शास्त्र में फलादेश करने के लिए ग्रहों के बलाबल का विचार करना चाहिए, जन्म कुंडली के साथ नवमांश कुंडली को देखना चाहिए और नवमांश कुंडली के साथ साथ भावचलित कुंडली को जरूर देखना चाहिए। मेरे अनुभव में आया है कि कभी कभी किसी की कुंडली इतनी अच्छी दिखती है कि उसके जीवन में सारे राजयोग झलकते हैं, लेकिन जब फलादेश कर दिया जाए तो सामने वाला व्यक्ति कहता है ये तो सब हमारे जीवन में उल्टा ही है। तो आप भी अपना माथा ठोकेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, जो शास्त्रों में लिखा है वो सच नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे का रहस्य ये है कि आप भावचलित कुंडली को देखिए, जिसमें कहते हैं द्वादश भाव ससंधि साधन, जिसमें संधियों में गए हुए ग्रह निष्फल हो जाते हैं। तो जब आप भावचलित चक्र को देखेंगे तो जिसके जीवन से फलादेश मैच नहीं कर रहे हैं उसके भावचलित चक्र में सारे ग्रहों की स्थिति अलट पलट हो जाएगी। जो शुभ योग हैं वो दुर्योग में बदले हुए होंगे। तो इसलिए किसी भी जन्म कुंडली पर फलादेश करने के पहले एक बार भावचलित कुंडली और लग्न कुंडली का सामंजस्य मिलाना चाहिए। उसके बाद ही किसी के बारे में एक शब्द कोई फलादेश करना चाहिए।
तो हमारे कहने का आशय यही है कि बुध अगर मीन राशि का होगा और मीन के नवांश में होगा, नीच राशि में, नीच के नवांशक में होगा, तो ये बहुत बुरा है। लेकिन अगर बुध मीन राशि में है और शुक्र भी कन्या राशि में है, तो दोनों नीच राशि के ग्रह आमने सामने हो गए, तो ये एक प्रकार का नीच भंग राजयोग है। ये राजयोग को देने वाला है, इसको ज्योतिष शास्त्र की भाषा में नीच भंग राजयोग कहते हैं। जो कम ज्योतिष का अध्ययन किए हुए लोग होंगे वो तो यही कहेंगे कि आपके दो ग्रह नीच के हैं तो सब कुछ खराब हो गया, लेकिन यहाँ सब कुछ खराब नहीं हुआ, बल्कि यहाँ नीच भंग राजयोग बन गया। जय माँ विंध्यवासिनी।